अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे। और आज हम ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे किस तरह से आप एक टेक्स्ट के अंदर अपनी इमेज शो करा सकते हैं। जी हाँ, क्रिएट क्लिपिंग मास्क के थ्रू आप किस तरह से अपने टेक्स्ट के अंदर कोई भी इमेज शो करा सकते हैं और उस इमेज से आप अपना टेक्स्ट बना सकते हैं। सो ये सब आप सीखेंगे ट्यूटोरियल्स में, और बहुत ही आसान स्टेप्स हैं, बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं। आप इनको फॉलो करें और आप सीख जाएंगे। Thank you so much. Let's move to the video. पहले आप अपनी कोई भी इमेज ओपन कर लें जिसपे आपने टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करना है, और इसको फोटोशॉप ओपन करने के बाद आप कंट्रोल एन प्रेस करें और आप एक न्यू लेयर ले लें व्हाइट कलर के लिए। और इसको लेने के बाद आप यहाँ पे सिंपल अपना टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करें। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज में आए और कोई भी टेक्स्ट स्टाइल आप सेलेक्ट कर लें जो भी आपको पसंद आए। और मैं चूँकि बोल्ड टेक्स्ट सेलेक्ट करना एक अच्छी बात है ताकि पिक्चर आपको ज़्यादा नज़र आए उसमें, तो मैं यहाँ पे दिल सेंस अल्ट्रा बोल्ड टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद इसका आप साइज दे दें, कोई भी साइज दे सकते हैं, शार्प हो और अल्ट्रा सेंट्रल लाइन। तो यहाँ पे आप इसका टेक्स्ट लिखते, कोई भी नाम लिखते, करने के बाद आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होने के अपने फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है ताकि आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाए, और थर्ड वाले से आपका जो टेक्स्ट है वो कैपिटल लेटर्स में आएगा। सो इस पे भी आप क्लिक कर लें, और इसके बाद इसकी आप ये जो इसकी जो हाइट है, जो इसका जो गैप है इन दोनों टेक्स्ट के दरमियान, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। ऑटो करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कर देगा, और अगर आप इसको प्रेस करके थोड़ा सा मूव करते हैं आगे की तरफ तो ये नीचे की तरफ आएगा, और आप इसकी अपनी मर्जी के साथ स्पेसिंग दे सकते हैं। बैकग्राउंड के लिए मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से पेन पर टूल लिखाऊंगा, और कलर को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट करूँगा। सो ये कलर अप्लाई करने के बाद टेक्स्ट लेयर के ऊपर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में ऑप्शन आएगा ड्रॉप शेडोज का, इस पर क्लिक करने के बाद आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप क्लिक करें और मूव करने से आपका जो शेडो है वो आपके माउस पॉइंटर के साथ मूव करेगा। सो मैं इसको यहाँ पे शेडो दे देता हूँ। ये करने के बाद आप इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लें। डिस्टेंस आप देख लें, स्प्रेड मैंने 0 रखा हुआ है और साइज मैंने थोड़ा सा इंक्रीज किया ताकि
आएंगे. सो मच थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्यूटोरियल्स.